एप्लीकेशन ऑफ कन्विक्शन करंट। अब ये जो कन्विक्शन करंट है, यानी ये एक जब ये मूवमेंट जो होता है, इसको हम लोग बच्चों कन्विक्शन करंट कहते हैं। तो इसके क्या क्या यूजेस हैं, इसके क्या क्या एप्लीकेशन, हम इसके साथ ये भी पढ़ेंगे। इससे पहले बच्चों मैं एक आपको छोटा सा एक्टिविटी है वो भी पढ़ाना चाहूंगी, जिसमें हम समझेंगे कि कैसे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हीट एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो प्रूव द कन्विक्शन इन गैसेस। अब यहाँ पे हम लोग बच्चों कन्विक्शन जो गैसेस में हो रहा है उसका एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे। टेक अ रेक्टेंगुलर वुडन बॉक्स, हम एक लकड़ी का बॉक्स लेते हैं बच्चों, उसके अंदर फिट अ प्लेन ग्लास ऑन दिस वन साइड ऑफ द बॉक्स, एक प्लेन ग्लास जो है वो वन साइड बॉक्स के एक तरफ लगा देंगे। कट टू होल्स ऑफ वन इंच डायमीटर ऑन टॉप ऑफ द बॉक्स एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि एक लकड़ी का बॉक्स ले लिया, यहाँ हमने ग्लास लगा दिया, यहाँ पे ऊपर दो होल कर दिया, इसके ऊपर बच्चों दो हमने चिमनियां लगा दी, चिमनी समझते ना ग्लास की जो होती है वो। पुट द स्मॉल लाइटेड कैंडल इनसाइड द बॉक्स, और यहाँ पे हमने एक मोमबत्ती रख दी। नाउ होल्ड द स्मोल्डरिंग अगरबत्ती नियर द माउथ ऑफ अ चिमनी, हमने क्या किया, ये जो चिमनी है उसके ऊपर, उसके मुंह के ऊपर, यहाँ पे बच्चों एक खुशबूदार अगरबत्ती जो है वो उसके मुंह पे, उसके मुहाने पे, यहाँ पे ए जो ग्लास है उसके ऊपर रख दी। इट है चिमनी ए एंड कम्स, यू विल फाइंड दैट द स्मोक फ्रॉम द अगरबत्ती इज ड्रॉन इनटू द बॉक्स थ्रू ए चिमनी एंड कम्स थ्रू आउट चिमनी बी। अब क्या होगा, यहाँ से धुआं बच्चों अंदर जाएगा, ए चिमनी से अगरबत्ती का धुआं जाएगा बॉक्स में आएगा और बी से बाहर निकलेगा। कैसे होगा वो हम समझेंगे। इट हैपेंस बिकॉज द एयर अराउंड द लाइटेड कैंडल बिकम्स अ हॉट एंड बिकम्स अ लाइटर। ये क्या हुआ बच्चों, जो यहाँ मोमबत्ती के आसपास की जो हवा थी ना बच्चों, ये गर्म हो गई। और अभी मैंने आपको बताया था कि गर्म हवा जो होती है वो हल्की हो जाती है और वो ऊपर की तरफ उठ जाती है। तो वो जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ उठी और वो अपने साथ साथ ये जो अगरबत्ती का स्मोक था और इसकी जो खुशबू थी वो भी अपने साथ बाहर लेके निकली। और इसी तरीके से हमें बी चिमनी में से बच्चों अगरबत्ती का धुआं बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। इट हैपेंस बिकॉज द एयर अराउंड द लाइटेड कैंडल बिकम्स अ हॉट एंड बिकम्स लाइटर। लाइटर एयर मूव्स अप रिप्लेसिंग द फ्रेश एयर सर्व्ड फ्रॉम द चिमनी ए। द अगरबत्ती स्मोक इज सर्व्ड इन अलोंग विद एयर, इट शोज दैट कन्विक्शन करंट सेट अप इन द बॉक्स। अब इससे हमें यह पता चला बच्चों कि यहां से जब अगरबत्ती का धुआं अंदर आया, यहाँ पे नीचे मोमबत्ती की गर्मी के कारण अंदर की जो हवा थी वो गर्म हो गई और वो बी चिमनी से ऊपर की तरफ जाने लगी। और यहाँ से क्योंकि ए चिमनी में ऑलरेडी धुआं भरा हुआ, तो यहाँ से नहीं गई और बी चिमनी से ऊपर जाने लगी और अपने साथ साथ अगरबत्ती का जो धुआं था वो भी ऊपर ले जाने लगी। तो ये बच्चों हमने देखा कि कन्विक्शन इन गैस। अब हम बात करते हैं बच्चों यूजेज और एप्लीकेशंस की, बात करते हैं कि कहाँ कहाँ इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले बात करें हम लोग बच्चों, वेंटिलेटर्स एंड एग्जॉस्ट फैंस आर यूजुअली नियर द सीलिंग ऑफ रूम बिकॉज एयर विच इज ब्रीद आउट इज वार्मर एंड द लाइटर देन ऑर्डिनरी एयर। अब हम लोग बात करें बच्चों कि घरों में वेंटिलेटर लगाए जाते हैं बच्चों, चिमनियां लगाए, अब वेंटिलेटर लगाए जाते हैं, रोशनदान जिसको अपन कहते हैं, या फैंस होते हैं वो, या एग्जॉस्ट फैन हमारे किचन में लगते हैं, ये किस प्रिंसिपल से काम करते हैं बच्चों, कन्विक्शन करंट के प्रिंसिपल से काम करते हैं। होता क्या है, जो हम हवा हमारी सांस में जो निकालते हैं बच्चे वो गर्म होती है, वार्म होती है, तो वो क्या करती है, वो ऊपर की ओर उठती है और जो विंडो से गेट से जो फ्रेश एयर होती है बच्चे वो हमारे कमरे में आती है और रूम को ठंडा रखती है। ब्रीद इट आउट इज अ वार्मर एंड द लाइटर देन द ऑर्डिनरी एयर, इट राइजेस एंड एस्केप्स थ्रू द वेंटिलेटर और एग्जॉस्ट फैन व्हाइल द कोल्ड एंड फ्रेश एयर एंटर्स थ्रू द विंडोज। अब क्या होता है कि वेंटिलेटर से या एग्जॉस्ट फैंस जो होते हैं वो ये जो गर्म हवा होती है इनको कमरे से बाहर फेंक देते हैं और खिड़की में से या दरवाजों से जो फ्रेश एयर आती है बच्चों वो कमरे में रह जाती है और जो कमरे को फ्रेश एयर प्रदान करती है। तो नेक्स्ट इसका यूज देखेंगे बच्चों, इन हीटर ब्लोअर एंड हीट कन्वेक्टर्स हीट द रूम बाय द सेटिंग अप कन्विक्शन करंट्स। हीटर जो कि कमरे को गर्म रखने का काम करता है, ब्लोअर वो भी वही काम करते हैं, एंड हीट कन्वेक्टर्स हीट कन्वेक्टर्स हीट द रूम, हीट कन्वेक्टर्स का भी वही काम होता है बच्चों जो कमरे को गर्म रखने का काम करता है, सेटिंग अप कन्विक्शन करंट्स। अब उसके अंदर बच्चों कन्विक्शन करंट्स का ही इस्तेमाल किया जाता है, उससे वो कार्य करते हैं। हीट हीटर ब्लोअर एंड द हीट कन्वेक्टर्स हीटर ब्लोअर्स एंड हीट कन्विक्टर्स हीट द रूम बाय सेटिंग अप द कन्विक्शन करंट्स ड्यूरिंग द डे टाइम। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों, दो चीजें सीखेंगे हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, एक तो हम सीखेंगे बच्चों सी ब्रीज और दूसरा हम सीखेंगे बच्चों लैंड ब्रीज। क्या है ये दोनों चीजें वो अच्छे से समझेंगे, आपको डायग्राम भी दिखाएंगे। अब सी ब्रीज,
ड्यूरिंग द डे टाइम लैंड गेट्स हीटेड मोर क्विकली देन द सी। अब दिन की यदि हम लोग बात करें तो जमीन जो है बच्चों पानी की तुलना में जल्दी गर्म हो जाती है, ज्यादा गर्म हो जाती है। दिस इज बिकॉज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वॉटर इज हायर देन द सैंड्स अर्थ सरफेस। अब क्या होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ वॉटर। वॉटर क्या होती है, वो स्पेसिफिक हीट होती है, उसको गर्म होने में टाइम लगता है। इज हायर देन द सैंड्स अर्थ सरफेस। अब वो क्या होता है, जो अर्थ जो होती है वो सैंड जल्दी गर्म हो जाती है, उसकी रेत जल्दी गर्म होती है। हॉट एयर मूव्स इन अपर डायरेक्शन एंड द कोल्ड एयर मूव्स फ्रॉम द सी टूवर्ड्स द लैंड। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है बच्चों कि जमीन की जो रेत जो होती है, मिट्टी जो होती है, वो जल्दी गर्म हो जाती है सूरज की रोशनी से, बशर्ते पानी के। तो यहाँ की जो हवा है उसके साथ साथ गर्म हो जाती है, वो ऊपर उठती है। और समुन्द्र के ऊपर की जो हवा है जो कि अभी ठंडी है पानी के कारण, वो कहाँ आ जाती है बच्चों, जमीन पे आ जाती है। तो इस ये जो प्रोसेस होती है, क्योंकि हवाएं समुन्द्र की तरफ से चलती है, तो इसे हम सी ब्रीज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों हम इसको, सी ब्रीज कहते हैं। हमें एक साइकिल नजर आ रहा है बच्चों, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लैंड हीट्स अप, यहाँ पे लैंड गर्म हो रही है। वार्म एयर राइजेस, गर्म हवा ऊपर गई, राइजिंग एयर हेल्प्स टू फॉर्म क्लाउड्स। और ये जो गर्म हवा ऊपर गई, ये बादल बनाएगी बच्चों, फिर जब ठंडी होगी तो वापस बारिश के रूप में नीचे गिरने लग जाएगी। सिंकिंग एयर स्प्रेड्स अलोंग दिस सरफेस। अब यहाँ पे सी ब्रीज, देखिए समुन्द्र से हवा चल रही है बच्चों और यहाँ जमीन की तरफ बढ़ रही। तो ये तो हो गया बच्चों सी ब्रीज। अब हम बात करते हैं इसी तरीके से लैंड ब्रीज, जिस बिल्कुल उल्टा होता है बच्चों। रात के समय क्या होता है, रात के समय जो होता है जमीन, ड्यूरिंग द नाइट लैंड कूल्स मोर रैपिडली देन द सी। जमीन जो होती है बच्चों समुन्द्र के पानी की तुलना में जल्दी ठंडी हो जाती है। और जमीन तो रात को ठंडी हो जाती है, और समुन्द्र का पानी बच्चों गर्म रह जाता है। तो जो पानी गर्म होता है तो जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर की जो हवाएं हैं वो भी गर्म रहेंगी, तो वो ऊपर उठती हैं। और जमीन के ऊपर की जो कि ठंडी हो चुकी है, वो ठंडी हवाएं जो है वो समुन्द्र की तरफ जाती है। क्योंकि हवाएं जमीन से समुन्द्र की तरफ जाती है बच्चों, तो रात के समय इस तरह की जो हवाएं चलती है इन्हें लैंड ब्रीज कहा जाता है। हॉट एयर अबव द सी राइजेस अप एंड कोल्ड एयर मूव्स फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द सी। दिस काइंड ऑफ मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज। तो बच्चों आपको यहां से अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सी ब्रीज और लैंड ब्रीज क्या है। तो बच्चों आपको इस पे एक नोट भी लिखना है, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज पे। द मॉनसून इज ऑल्सो कन्वेक्शन करंट। मॉनसून जो है बच्चों वो भी कन्वेक्शन करंट है। इसमें भी यही होता है कि गर्म हवा ऊपर जाती है, बादल बनाती है, जब वो कूल डाउन होते हैं तो वापस वो पानी बन के नीचे गिरने लग जाते हैं। मॉनसून मतलब बारिश, तो वो भी इसी तरीके से। इट इज सेटअप बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंसेज बिटवीन द लैंड एंड सी। और वो इसीलिए सेटअप होते हैं सारे क्लाउड्स के सी में, और लैंड का जो टेम्परेचर होता है इन दोनों में बच्चों बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। और इन्हीं डिफरेंसेस के कारण मॉनसून या जो बारिश का मौसम है हमें वो भी देखने को मिलता है। तो आई होप बच्चों आपको कन्वेक्शन और उसके एप्लीकेशंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वापस एक बार आपको कन्वेक्शन बता देते। कन्वेक्शन का मतलब होता है बच्चों लिक्विड में और गैसेस में जो हीट का मूवमेंट होता है वो कन्वेक्शन कहलाता है। थ्रू द मॉलिक्यूल्स, किससे होता है बच्चों, वो मॉलिक्यूल्स से होता है। ट्रांसफर ऑफ हीट इन द लिक्विड एंड द गैसेस बाय द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हॉटर टू द कोल्डर लेवल इज नोन एज कन्वेक्शन। ये हमें कन्वेक्शन के डिफाइन पता चल गया। इसके यूज एंड एप्लीकेशन बच्चों मैंने आपको अच्छे से समझाया। इसमें बच्चों आज हमने एक नई चीज भी सीखी है, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। तो आप बच्चों आपको इन सारी चीजों को रिवाइज भी करना है। थैंक यू वेरी मच।